आरजेसी न्यूज, हम कराएंगे आपको सच से रूबरू। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा की केंद्र व प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियों व झूठे आश्वासनों के विरोध में पोलपुल ब्लॉक स्तरीय कांग्रेस सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें ग्राम काजीपुरा कैंप कार्यालय में ब्लॉक स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें केंद्र को किसान मजदूर नौजवान अल्पसंख्यक विरोधी नीतियों का जमकर आलोचना की गई। जिला अध्यक्ष डॉक्टर एपी सिंह ने कहा कि 2014 के दिन 2018 के अच्छे दिनों के बीच का फर्क जनता समझ चुकी है और ऐसे अच्छे दिनों का जवाब 2019 के आम चुनावों में देगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विनोद तोमर ने कहा कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं और पढ़े लिखे नौजवान परेशान है, जनता बदलाव चाह रही है, आने वाला समय कांग्रेस का है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रवि अरोड़ा, ब्लॉक प्रभारी कुंदर की व AICC सदस्य ने कहा कि भाजपा सरकार ने किसानों के कर्ज माफी का जो वायदा किया था वो पूरी तरह से झूठा साबित हो रहा है, क्योंकि किसान अभी भी आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। भाजपा का लोकसभा चुनाव में वही हाल होगा जहां किराना, फूलपुर, नूरपुर, गोरखपुर में हुआ है। इस दौरान सम्मेलन में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य फहीम चौधरी, PCP मुसाहिद चौधरी, मौलाना हनीफ, तुर्की अबीब अहमद, मोहम्मद यासीन, नसरत अली, शौकत नेता, ब्लॉक अध्यक्ष इरफान खान, शाकिर मलिक, आयोजक चौधरी एहसान खान ने सभी का आभार व्यक्त किया व संचालन शकील अहमद हाशमी ने किया। अब उनके पास भी कुछ कहने को नहीं है और वो सोचते हैं कि अब क्या, एक साल का टाइम रह गया, 8 महीने का टाइम रह गया है, 8 महीने के बाद हमें जो करना है वो करेंगे। तो हिंदुस्तान की आवाम में एक नया जो परिवर्तन आप देखेंगे, वो लोग सब अपने समय का इंतजार कर रहे हैं और ये इंतजार उसी तरीके से होगा जिस तरीके से गोरखपुर, फूलपुर, कैराना और नूरपुर में जवाब दिया पब्लिक ने। पब्लिक ने ऐसे जवाब दिया कि किसी को पता ही नहीं लगा कि जमीन मेरी कब साफ हो गई, और अब की बार 19 के लोकसभा चुनाव में इन्हें ये नहीं पता लगेगा कि खाता इनका खुलेगा या नहीं खुलेगा। ये मैं आपको इस मंच के माध्यम से बताना चाहता हूँ, लोगों के बीच में कहना चाहता हूँ कि इस सरकार से सभी का मोह भंग हो चुका है। अब अगर कोई सरकार आएगी वो सभी धर्मों के, सभी किसानों का, सभी महिलाओं का और खास तौर से हमारे बेरोजगार नौजवानों का, कि जो रोजगार की बात है, जो आज सड़क पर खड़ा है, चौराहे पे खड़े होकर के इंतजार कर रहा है कि आखिर जो है हमारे अच्छे दिन कब आएंगे, वो इसी अच्छे दिन की प्रत्याशा में आप 19 में जो है किसी के जुमलेबाजी के चक्कर में आने वाला नहीं है और 100% जो है केंद्र में कांग्रेस सत्तारूढ़ 19 में होने जा रही है। चौधरी एहसान खां हैं, जो जिला कांग्रेस कमेटी में महामंत्री भी हैं। आज का कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो सिर्फ इतना है कि विगत 4 वर्षों के दौरान किस तरीके से हिंदुस्तान की आवाम को केंद्र की सरकार द्वारा प्रलोभन दिए गए, उन झूठे जुमलों और प्रलोभनों के बर्दाश्त की भी एक सीमा होती है। आज आवाम का हर व्यक्ति, हर नागरिक, हर महिला, गरीब, मजदूर, किसान, बेरोजगार नौजवान अपना माथा ठोकते हैं कि आखिर हमसे क्या भूल हो गई कि हम जो है सही डिसीजन नहीं ले पाए और 2014 में एक जुमलेबाजी से लोगों की सरकार को हमने केंद्र में सत्ता रूढ़ करा दिया। उन्हें नहीं पता था कि देश का भावी प्रधानमंत्री जो आश्वासन दे रहा है कि हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, वो 1% भी रोजगार देने में सफल नहीं हुआ। लोगों को ये पता ही नहीं था किसानों को कि क्या उनकी MSP दोगुनी होगी, क्या उन्हें जो है कर्ज मुक्त कर दिया जाएगा, किसी को नहीं पता था। सारे लोग जो है इस आशा में थे कि हिंदुस्तान जो है, हिंदुस्तान में 70 साल के बाद, अंग्रेजों के बाद, अगर कोई बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकता है तो हिंदुस्तान के होने वाले प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। लेकिन आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं, अपने आप को आत्मग्लानी महसूस करते हैं कि, और जब उनसे कोई बात पूछी जाती है तो माथा ठोक के कहते हैं कि भैया मेरे से गलती हुई, अब मैं क्या कर सकता हूँ। एक गलती इंसान से ही होती है, एक बार मैंने भी जो है एक जुमलेबाजी की सरकार बनवा कर देख ली है, आज हमें कुछ हासिल नहीं हुआ। 19 में हम इसका जवाब जो है देंगे और जवाब ऐसा होगा कि दोबारा जो है ये सरकार हिंदुस्तान की सत्ता में कभी नहीं आ पाएगी। इस तरीके से जो है लोगों में रोष है, किसानों में इस तरीके का रोष है। उनका जो है कहा गया कि आपका 22 में दोगुना कर देंगे। अरे भाई, 4 साल आपके शासन
लगातार केंद्र में भी है और प्रदेश में भी है। यहाँ पर किसानों को मुआवजे के नाम पर 4 रुपये, 14 रुपये, 44 रुपये, 150 रुपये का चेक दिया जा रहा है। आखिर हमारे किसानों की, हम लोगों की मजाक क्यों उड़ा रहे हैं? अगर आपको चेक नहीं देना है, अगर आपको कर्ज माफ नहीं करना है, अगर आप कर्ज माफी में इतने चेक पॉइंट लगाने हैं, इतनी उसमें बाधाएं उत्पन्न करनी है, तो आप मत मना कर दीजिए। लेकिन आप जो है जो किसानों का मनोबल तोड़ रहे हैं और कर्ज माफी के नाम पे 150 रुपये, 1400 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये के चेक दे रहे हैं, इससे किसानों को बहुत बड़ा धक्का पहुंचा है और किसान बहुत परेशान है। कि हालांकि अब उनके पास भी कुछ कहने को नहीं है और वो सोचते हैं कि अब क्या, एक साल का टाइम रह गया, 8 महीने का टाइम रह गया है, 8 महीने के बाद हमें जो करना है वो करेंगे। तो हिंदुस्तान की आवाम में एक नया जो परिवर्तन आप देखेंगे, वो लोग सब अपने समय का इंतजार कर रहे हैं और ये इंतजार उसी तरीके से होगा जिस तरीके से गोरखपुर, फूलपुर, कैराना और नूरपुर में जवाब दिया पब्लिक ने ऐसे जवाब दिया कि किसी को पता ही नहीं लगा कि जमीन मेरी कब साफ हो गई। और अब की बार 19 के लोकसभा चुनाव में इन्हें यही नहीं पता लगेगा कि खाता इनका खुलेगा या नहीं खुलेगा। ये मैं आपको इस मंच के माध्यम से बताना चाहता हूँ, लोगों के बीच में कहना चाहता हूँ कि इस सरकार से सभी का मोह भंग हो चुका है। अब अगर कोई सरकार आएगी, वो सभी धर्मों के, सभी किसानों का, सभी महिलाओं का और खास तौर से हमारे बेरोजगार नौजवानों का, कि जो रोजगार की बात है, जो आज सड़क पर खड़ा है, चौराहे पे खड़े होकर के इंतजार कर रहा है कि आखिर जो है हमारे अच्छे दिन कब आएंगे, वो इसी अच्छे दिन की प्रत्याशा में आप 19 में जो है किसी के जुमलेबाजी के चक्कर में आने वाला नहीं है और 100% जो है केंद्र में कांग्रेस सत्तारूढ़ 19 में होने जा रही है। उसके बाद एक्सपोर्ट जो है वो हमारी डिक्रीज हुई है, ऐसा नहीं है कि हमारी एक्सपोर्ट बढ़ गई। ठीक है, जो जिस प्रोपोर्शन में बढ़नी चाहिए थी उस प्रोपोर्शन में नहीं। आज आपने किसानों को 50,000 करोड़ रुपए अनुदान देकर उनको आप मजबूत बनाते, समझिए, बनेर वो ना करके आपने प्रिंटिंग मटेरियल के अंदर और उसके अंदर सब्सिडीज दी हैं उससे ज़्यादा। मेरे पास इस वक्त पूरे आंकड़े तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि उसके अंदर जो है सफाई है, उसके अंदर जो है ना वो अपनी एक लाख चौंसठ हज़ार करोड़ रुपया इन्होंने दिया, लेकिन किसानों को 50,000 करोड़ नहीं दिया। हम आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कांग्रेस की नीतियों को फिर दोबारा से समझें, कांग्रेस को आशीर्वाद दें, कांग्रेस को दोबारा से खड़ा करें और आप ये देखिएगा कि कांग्रेस में इतने अच्छे विद्वान हैं कि वो कांग्रेस के अपना देश आप मजबूत होगा। और वो जब इम्पॉसिबल है जब आप जो हैं कांग्रेस को वोट दें और उसे जिताएं। किसानों को कभी पैसे की कमी नहीं होगी, कभी वो भूखे नहीं मरेंगे। आज टमाटर ज्यादा हो गया तो वो टमाटर हम तीनों के उसके अंदर डिब्बे में सब करके प्रेशर गोदाम बनाए।